जय हिंद दोस्तों, एनजीसीएस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम इस मॉडल को बनाएंगे, इसमें रिब टूल को भी यूज करना सीखेंगे। तो चलिए इसका ड्राइंग एंड डायमेंशन देख लेते हैं। ये इसका ड्राइंग एंड डायमेंशन है, आप इसको पॉज करके अच्छे से देखिए। इसका लिंक का डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। यहाँ से न्यू पार्ट ओपन करके और अपने टॉप प्लेन में आते हैं स्केचिंग के लिए, और यहाँ पे सर्किल चूज करते हैं, दो सर्किल सेलेक्ट करते हैं। इनर सर्किल का डाया हमें गिवन है 40 mm, स्मार्ट डायमेंशन ये हमें 40 mm, और आउटर का डायमीटर हमें 70 mm, 70 mm, ओके। अब यहाँ पे कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे और इसके मिड पॉइंट पे लेके जाएंगे कर्सर को, तो वहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। स्मार्ट डायमेंशन ये हमें 90 गिवन है और ये 70 ऑलरेडी है, 70, ओके। अब यहाँ पे हम एक पॉइंट को पॉइंट दे देंगे और पॉइंट का डिस्टेंस हम दे देंगे 120 120, और पॉइंट को हम हॉरिजेंटल पोजीशन पे फिक्स कर लेंगे, ओके। अब यहाँ पे हम दो सर्किल बनाएंगे और दोनों का डायमेंशन देंगे। इनर का डायमेंशन है 50 एंड आउटर का डायमेंशन हमें 80 गिवन है, 80। यहाँ पे एक लाइन सेलेक्ट करके और इसको क्लोज कर लेंगे। ट्रिम एंटिटी से अनवांटेड पार्ट को ट्रिम करेंगे, ये इसको भी और इसको भी, ये सारे ट्रिम कर लेंगे। साथ में हमें इसको भी ट्रिम करना है, एक बार बैक करते हैं, इसको ट्रिम करना है, ये ट्रिम करना है, ये इसको ट्रिम करना है, साथ में इसको भी ट्रिम कर देना है। अब हम यहाँ पे लाइन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हमें जैसे यहाँ पे लाएंगे आपको टेंजेंट का नोटेशन मिल जाएगा। जैसे टेंजेंट मिले आप वहाँ पे उसको फिक्स कर लें और इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे एक ड्रॉ कर लेंगे, इस लाइन को प्लस कंट्रोल इस लाइन को, कोइंसिडेंट, और इसको और कंट्रोल इसको, टेंजेंट, ओके। अब मिरर एंटिटीज का यूज करेंगे और इस लाइन को इस लाइन के अबाउट मिरर कर लेंगे, ओके। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस हमें, यहाँ से इस पॉइंट का डिस्टेंस हमें 40 गिवन है, ओके। अब ये स्केच हमारा फुल्ली डिफाइंड हो चुका है, तो चलिए हम इसको एक्सट्रूड करने के प्रोसेस में चलते हैं। एक्सट्रूड पे क्लिक करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद से
हमें इसको एक्सट्रूड करना है 60 mm तक। तो पहले 60 mm एक्सट्रूड कर देते हैं। ओके, अगेन स्केच वन को सेलेक्ट करके एक्सट्रूडेड बेस बॉस पे क्लिक करेंगे और इस रीजन को सेलेक्ट करेंगे और ये हमें 20 mm तक एक्सट्रूड करना है, 20 mm। अगेन फिर से स्केच वन को ही सेलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूडेड बॉस बेस, इस बार इसको और इसको दोनों को सेलेक्ट करेंगे और इसको हमें एक्सट्रूड करना है 10 mm। दिया गया है 10 mm, 10 mm तक एक्सट्रूड करना है। ओके, ये यहाँ तक बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पे एक फिलेट देंगे, यहाँ पे फिलेट देंगे, फुल राउंड फिलेट। ओके, और इस फिलेट को, ये फुल राउंड फिलेट होता है, इस पे क्लिक करेंगे। उसको देने के लिए फर्स्ट फेस, सेकेंड फेस एंड थर्ड फेस। अब हम ओके करेंगे, सॉरी ये थर्ड फेस इसी में सेलेक्ट हो गया है। थर्ड फेस जैसे इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पे प्रीव्यू शो होने लगा। ओके कर देंगे, ये ऐसा बन के रेडी हो जाएगा। अब इस पे स्केच करेंगे, स्केच करने के बाद से यहाँ पे ये आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कर्सर आएगा साथ में, तो यहाँ पे सेंटर शो होने लगेगा जो कोइंसिडेंस दिखा रहा है। अब ओके कर देंगे और दो कोसेंट्रिक सर्कल बनाएंगे। आउटर सर्कल का डाया दिया है हमें 40 mm एंड इनर सर्कल का डाया दिया है 30 mm, 30 mm दिया है। अब ओके कर लेते हैं। अब इसको कटआउट के लिए हमें एक्सट्रूडेड कट पे सबसे पहले इनर सर्किल को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्टेड कंटूर और इनर सर्कल को सेलेक्ट करेंगे रीजन वन और इसको थ्रू वॉल कर देंगे। ओके, अगेन इसके स्केच टू को सेलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूडेड बॉस बस नहीं, एक्सट्रूडेड कट पे क्लिक करेंगे और वो हमें 7 mm तक कट करना है। ये देखिए 7 mm तक हमारा कट के यहाँ पे रेडी हो गया। आप सेम फीचर चाहते हैं कि ये बगल वाले साइड में भी हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से मिरर पैटर्न का यूज करेंगे, मिरर टू फेस फ्रंट प्लेन एक्सट्रूडेड कट टू। ओके, ये दोनों साइड बन के रेडी हो गया। अब लास्ट सा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमें यहाँ पे रिब तैयार करना है। तो रिब तैयार करने के लिए हम सिंपल फ्रंट प्लेन स्केच में आएंगे और यहाँ से लाइन सेलेक्ट करेंगे और इस कॉर्नर से यहाँ किसी एक पॉइंट पे करके और थोड़ा सा हॉरिजेंटल दे देंगे, थोड़ा सा हॉरिजेंटल दे देंगे ताकि ये राउंड है इसीलिए यहाँ पे हॉरिजेंटल देना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे स्मार्ट डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें दिया है 25। ओके, ये हो गया। और इसको कुछ भी नहीं दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब आ जाते हैं फीचर और ये रहा हमारा रिब टूल। रिब टूल जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये आउटवर्ड जा रहा है, इसको इनवर्ड करेंगे ये फ्लिप मटेरियल साइड और
इसको ही सेलेक्ट रहने देंगे, ये यहाँ से फ्लिप मटेरियल साइड फ्लिप कर लेंगे और यहाँ से ओके प्रेस कर देंगे। ये देखिए हमारा यहाँ पे रिब बन के रेडी हो गया है। और रिब हमें थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, ये हमें 20 mm का रिब चाहिए, तो 20 mm ओके। ये देखिए ये मॉडल बनके हमारा रेडी हो गया है। उम्मीद करते हैं कि ये ट्यूटोरियल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।